मौसम ने करवट लेते ही जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत दी है तो वहीं बारिश जानलेवा साबित हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बारिश ने 4 लोगों की जान ले ली है तो वहीं यूपी में 26 लोगों की जान चली गई है जो कि आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। आंधी तूफान से महाराष्ट्र के कई इलाके जैसे मुंबई, ठाणे, कोकण, अहमदनगर, परभणी इलाकों में कई घंटे बारिश हुई है। बारिश का कहर यही नहीं थमा बल्कि मौसम विभाग के अनुसार आज और कल भी बारिश आने की आशंका है। जानकारी के अनुसार मुंबई में भारी बारिश की आशंका के चलते बीएमसी ने तमाम एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। तो वहीं बात करें दिल्ली एनसीआर की तो दिल्ली एनसीआर में कल मौसम अचानक बदल गया और शाम के वक्त तेज बारिश और आंधी तूफान ने लोगों पर आफत बरसा दी। खबर है कि यूपी में आंधी तूफान से 26 लोगों की जान चली गई। जाहिर है कि बीते दिन भी 30 मिनट तक हुई भारी बारिश के कारण मुंबई शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए थे, जिसमें माहिम, मिंडमाता, परेल और मरीन ड्राइव इलाके शामिल हैं। जाहिर है कि खराब मौसम के कारण 2 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था, जबकि कई विमानों की उड़ान प्रभावित हुई थी और इसका मिला जुला असर सड़कों पर भी देखने को मिला था। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।